हेलो फ्रेंड्स, मुझे महारानी टू वेब लेस डिज़ाइन का वीविंग करना है। तो वीविंग के लिए सबसे पहले यहाँ पर प्रोडक्ट क्रिएटर ओपन करना है। प्रोडक्ट क्रिएटर ओपन करने से पहले मैंने टेक्सल के अंदर वो डीएस फाइल ओपन करके रखा है जिसका मुझे वीविंग करना है। फिर इसको मिनिमाइज करेंगे। यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्रिएटर ओपन हो चुका है, यहाँ पर क्लोज करना है। यहाँ से न्यू, उसके बाद ये डिज़ाइन में से आपको डीएस फाइल सेलेक्ट करना है, ओपन देना है और प्रोडक्शन लूम के अंदर यहाँ से आपको लूम फाइल सिलेक्ट करना है और ओपन देना है। इतना हो जाने के बाद आपको देना है अप्लाई। अप्लाई देने के बाद यहाँ से यस यस देने के बाद अगर ग्रीन बटन या ऑरेंज बटन आता है तो आपका डीएस फाइल का जो भी प्रोसेस था और लूम फाइल का जो भी प्रोसेस था वो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यस देने के बाद यहाँ पर रेड बटन आता है तो आपका डीएस फाइल की जो भी प्रोसेस है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या तो लूम फाइल की जो भी प्रोसेस है उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो किस फाइल के अंदर क्या प्रॉब्लम है वो चेक करने के लिए आपको रेड बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रेड बटन पर क्लिक करोगे तो आपको उस फाइल के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो एरर दिया जाएगा। वो एरर पढ़ने के बाद वो फाइल करेक्ट कीजिए और करेक्ट करने के बाद आपको वो फाइल सेव करना होगा। सेव करने के बाद वापस यहाँ पर अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद वापस यहाँ पर ग्रीन या ऑरेंज बटन आता है तो आपका जो भी प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, ऐसा समझना है। उसके बाद यहाँ पर वेव्स इवोल्यूशन, यहाँ पर जितने भी स्केल है उन सब स्केल पर आपको एक बार क्लिक करना होगा और क्लिक करने से वो डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ऑन ऑफ, ऑन ऑफ के अंदर आपका जितना भी वेफ्ट है उस वेफ्ट के हिसाब से यहाँ पर 1, 2, 3 नंबर दिए जाएंगे। अभी मेरा 2 वेफ्ट है तो यहाँ पर 1 नंबर के यस पर मुझे क्लिक करना है और नो में वो कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अप्लाई ओके देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो भी ये कलर प्लेट है यहाँ पर वर्टिकल लाइन दिया है यानी कि ये वार्प के लिए, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिया है वो वेफ्ट के लिए। यहाँ पर वार्प के लिए ए मेरा बीम है और वो ब्लैक कलर रहेगा, और यहाँ पर वेफ्ट का कलर चेंज करना है तो क्लिक करके मैंने सेलेक्ट किया ए यानी कि फर्स्ट वेफ्ट। फर्स्ट वेफ्ट का कलर चेंज करने के लिए डबल क्लिक और यहाँ से कलर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से लाइट डार्क जो भी आपको करना है वो सेट कीजिए। उसके बाद में ओके। फिर मेरा सेकंड वेफ्ट का कलर चेंज करने के लिए डबल क्लिक और यहाँ पर कलर और यहाँ पर लाइट डार्क जो भी शेडिंग देना है वो सिलेक्ट करने के बाद ओके देना है। इतना हो जाने के बाद ये मेरा वेव्स व्यू है, यहाँ से ओपन होगा, और ये मेरा कार्ड व्यू है वो यहाँ से ओपन होगा। तो हम एक बार इसको क्लोज करने के बाद वापस ओपन कर लेते हैं। ये आ गया और ये भी आ गया। यहाँ पर आप जो भी वेव्स डालोगे उस वेव का इफेक्ट आपको यहाँ कार्ड व्यू के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ कलर का इफेक्ट दिया हुआ है तो यहाँ पर ये फर्स्ट वेव के लिए, सेकंड वेव के लिए और ये ब्लैक कलर बीम के लिए। इतना हो जाने के बाद यहाँ पर आपको अपना फोल्डर जो वेव्स पैटर्न के लिए बनाया था वो सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर क्लिक कीजिए और उसके बाद में यहाँ पर आपको वेव का जो फोल्डर बनाया था वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद में ओके देना है। यहाँ पर आपका वेव्स आ चुका। फिर टेक्सल के अंदर आपने जो डीएस फाइल बनाई थी वहाँ पर वार्प वेफ्ट और एडिट डेफिनेशन करके आप यहाँ पर वेफ्ट पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको पूरा पता चलेगा कि कौन सा कलर कौन से वेफ्ट के अंदर मैंने डाला है। तो यहाँ पर फर्स्ट वेफ्ट के अंदर मैंने 0 नंबर, 105 नंबर ट्विल के लिए, 100 नंबर, 106 नंबर ट्विल के लिए, 107 नंबर इनसाइड बॉर्डर के लिए, 116 नंबर 4 का बॉर्डर और 117 नंबर सेलवेज के लिए। फिर इसको क्लोज करके मिनिमाइज कीजिए। फिर हम डायरेक्ट आते हैं 117 नंबर पे। यहाँ पर आगे मैंने जो भी सेलवेज पैटर्न बनाई थी वो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग करनी होगी और सेकंड वेफ्ट मुझे डाउन चाहिए तो मैंने यहाँ पर एम डाला। उसके बाद में एंटर करना है। उसके बाद में यहाँ पर रिफ्रेश करके आप देख सकते हो कि लेस की दोनों साइड वो पैटर्न
आ चुका है। उसके बाद में इसको वापस ओरिजिनल साइज। फिर यहाँ पर चार का बॉर्डर फर्स्ट वेव के अंदर है 116 नंबर, और यहाँ पर मैंने चार का बॉर्डर डालना है फर्स्ट वेव के, तो यहाँ पर T4 वेव और सेकंड को T4 वार और फिर रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हो तो ये बॉर्डर आया लेकिन कुछ पता नहीं चलता है, तो यहाँ पर व्यू में जाइए और वार पेप्ट कलर कीजिए, तो यहाँ आप देख सकते हो ये सलवेज है और ये आपका बॉर्डर है। जूम करके एक बात देख लेते हैं कि आपका जो भी ये पिंक कलर का डॉट है वो सही जगह पर नहीं है या सही पैटर्न नहीं है दोनों साइड पर, तो उसको सही करने के लिए वापस आप 116 नंबर के सेकंड वेफ्ट को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेंज द डायरेक्शन लेफ्ट टू डाउन, उसको आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद एक बार रिफ्रेश करोगे और दोनों साइड आप देख सकते हो कि वो डॉट पैटर्न था वो आपका सही हो चुका है। उसके बाद में हम जाएंगे ग्राउंड का 0 नंबर और वो मेरा फर्स्ट था, तो यहाँ पर मैंने ये 0 नंबर सिलेक्ट किया और वहाँ पर मुझे डालना था सेटिंग। सेटिंग का व्यू कितने नंबर का डालेंगे हम, तो सबसे पहले टेक्सल के अंदर हम हाइट देख लेते हैं 96 का, तो यहाँ पर 96 को हम किस चीज से डिवाइड करेंगे, तो 96 को हम 8 से डिवाइड करेंगे और फिर देखेंगे। यहाँ पर 4 का और उसके बाद में 6 का सेटिंग नहीं बनेगा, तो 4 और 6 वो तो चलेगा ही नहीं, सिर्फ बचा 5 का और 7 का सेटिंग। तो यहाँ पर 96 को हम 5 से डिवाइड करेंगे और फिर देखते हैं, तो ये आंसर पॉइंट में आता है तो आपका 5 का व्यू नहीं चलेगा। और 96 को हम 7 से डिवाइड करके एक बार देख लेते हैं, तो 7 का व्यू भी आपका नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में आंसर आया है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर डालेंगे S5 और फिर यहाँ पर S5 वेफ्ट और S5 बार, इतना डालने के बाद यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे। फिर देखते हैं कि जब हमारी लेस ये सेकंड पार्ट यहाँ पर रिपीट लगेगा, सेकंड रिपीट, तभी हमारी जो ये व्यू है वो मैच होनी चाहिए। अभी होता है कि नहीं देख लेते हैं यहाँ पर टॉगल रिपीट की हेल्प से, तो स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ये लाइन और ये लाइन का पैटर्न, फिर ये लाइन और ये लाइन का पैटर्न, हर लाइन एक जैसे ही दिखती है। जैसे कि ये लाइन मैंने लिया और इसके ऊपर का ये सेकंड लाइन, तो इसके ऊपर से बिल्कुल शुरू हो रहा है एक पॉइंट ऊपर से, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि जहाँ पर आपका रिपीट मैच हो रहा है वहाँ पर ये लाइन ख़त्म होती है, उसके बाद में यहाँ से ये रिपीट होना चाहिए, लेकिन मेरा सेम वही पोजिशन पे रिपीट स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका गलत है। तो इस तरह का रिपीट आपको नहीं चलेगा, और फिर भी आप दोगे तो जहाँ पर रिपीट लगता है वो क्लियरली आपको फैब्रिक पे दिखेगा, तो वो मैचिंग करने के लिए आपको 8 का व्यू ही डालना होगा। तो यहाँ से मैंने S8 वेफ डाल दिया और उसके बाद में S8 वार और फिर यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लिया और मैक्सिमाइज करके एक बार स्क्रीन को हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पर मेरा जो भी ये लाइन ख़त्म होती है और नेक्स्ट लाइन है वो इसके दूसरे डॉट से ही है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि जो मेरा ये लाइन जुड़ने वाला है वो कहाँ पर शुरू होता है सेकंड लाइन, तो ये डॉट और उसके बाद में 1, 2, 3 और 4 लाइन पर ये डॉट आता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 1, 2, 3 और ये 4 नंबर, तो यहाँ पर आपका रिपीट मैच होता है, वहाँ पर देखिए तो ये आपका रिपीट भी यहाँ पर 1, 2, 3 और ये 4 नंबर पर आपका कम्प्लीटली आता है, यानी कि आपकी जो भी ये लाइन प्रोसेस है, लाइन पैटर्न है, वो प्रॉपरली मैच हो रही है। उसके बाद में हम आएंगे 105 नंबर पे जो मेरा ट्विल का था, तो यहाँ पर फर्स्ट वेफ्ट ट्विल, यहाँ पर मैंने डाल दिया T4 वेफ्ट और इसको इस तरह से ट्रैक किया, और सेकंड
वेफ्ट के लिए मैंने यहाँ पर टी फॉर वार में रिफ्रेश, ये मेरा पैटर्न आ चुका है। पैटर्न आने के बाद हम चेक करते हैं कि डायरेक्शन मेरा सही है कि नहीं। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन मेरा रॉन्ग आ रहा है, मुझे चाहिए लेफ्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस स्क्रीन को बना करकर ये डायरेक्शन देना है लेफ्ट वाला, और इसको भी सिलेक्ट करने के बाद लेफ्ट डायरेक्शन, फिर रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका ये ग्राफिक रिपीट, बंद कर लेते हैं एक बार, और यहाँ पर आपका लेफ्ट डायरेक्शन हो चुका है, लेकिन जो बाइंडिंग का प्रॉब्लम आ रहा है उसको आप सॉल्व करना है। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर भी गलत है और यहाँ पे भी गलत है। ये वाला जो पॉइंट है वो ग्रीन कलर के ये जो लाइन है उसके बीच में आना चाहिए। तो वो करेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर मिनिमाइज करना होगा, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट और ऊपर की तरफ से एक पॉइंट बढ़ा देना और फिर ओके करके रिफ्रेश करना है। ये आपका अभी गलत आ रहा है, तो आप इस हम देखेंगे, यहाँ पर तीन करते हैं और ओके करते हैं, फिर रिफ्रेश, तो ये आपका अभी सही हो चुका है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में वापस यहाँ पर 106 नंबर ट्विल के लिए, तो मैंने फर्स्ट वेफ्ट यहाँ पर टी फॉर वेफ्ट और सेकंड टी फॉर वार, फिर यहाँ पर एक बार रिफ्रेश। वो कहाँ पर आया है वो भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर वो आया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि बाइंडिंग का प्रॉब्लम है, तो उसको भी हम चेंज करेंगे, एक पॉइंट को इस तरफ सरका देंगे। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, स्टार्ट पोजीशन और एक नंबर पर क्लिक करके एक नंबर बढ़ा देंगे, फिर ओके, फिर रिफ्रेश, ये आपका नंबर हो चुका। उसके बाद में हम आते हैं इनसाइड के लिए। इनसाइड मेरा फर्स्ट वेब का था और उसको अप लेना है। अभी आप देख सकते हो कि इस तरह से आपका वो फिगर आ रहा है यहाँ से, तो उसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रखो या तो फिर यस रखना है। फिर यहाँ पर सेकंड वेफ्ट आपको डाउन करना होगा और उसके लिए एम एम यानी कि वार, इतना करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करना है। तो आप देख सकते हो कि आपका जो ये कलर का जो भी था वो पॉइंट लास्ट में कलेक्ट यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद में आपको सेकंड वेफ्ट के लिए जाना है और सेकंड वेफ्ट का ये इनसाइड, तो सेकंड वेफ्ट मुझे अप लेना है, फ्रंट करना है और फर्स्ट वाले को डाउन करना है। तो यहाँ पर एम और सिलेक्ट, उसके बाद में रिफ्रेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो भी फर्स्ट वेफ्ट का जो भी था वो और सेकंड वेफ्ट का था, दोनों एकदम क्लियर हो चुका है। और फिर आते हैं 102 नंबर के अंदर, वहाँ पर मुझे ट्विल डालनी थी और यहाँ पे भी मैं सपोज T5 का ले सकती हूँ, तो मैंने डाल दिया T5 वेफ्ट और फर्स्ट के लिए T5 वार। उसके बाद में हम रिफ्रेश करेंगे और चेक करेंगे कि वो इफ़ेक्ट कहाँ पर आई। तो इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेते हैं और यहाँ पर इसका डायरेक्शन राइट साइड का है, मुझे चाहिए लेफ्ट साइड का, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन दे देंगे और फिर रिफ्रेश। तो ये मेरा हो चुका। यहाँ पे भी आप बाइंडिंग का जो भी पॉइंट है वो आप चेक कर सकते हो कि आपका बाइंड पॉइंट है वो यहाँ पर है तो करेक्ट है, लेकिन अगर यहाँ पर होता या तो फिर यहाँ पर होता तो प्रॉब्लम करता। अगर आपको ये पॉइंट यहाँ पर लेना है तो भी आप ले सकते हो, अभी करेक्ट ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में हम आएंगे 104 नंबर पे, वहाँ पे भी मुझे ट्विल ही डालना था। तो यहाँ पे सेकंड के लिए T4 या T5 वेफ्ट और यहाँ पर T5 वार। यहाँ मैंने 5 ही इसलिए दिया क्योंकि आगे का जो शेप था वहाँ पर मैंने T5 दिया है, तो यहाँ पे भी मैंने T5 दिया। उसके बाद में रिफ्रेश, उसका इफ़ेक्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हो। स्क्रीन मिनिमाइज किया और यहाँ पर ये आपका राइट एंगल का जो भी इफ़ेक्ट था वो
और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो बाइंडिंग पॉइंट है उसका भी प्लेसमेंट सही है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर वापस यहाँ पर आ जाए। अभी ये रहा डाली वाला, जो भी मेरा शेप था वहाँ, वो भी मुझे सैटिन डालना है। तो अगेन आपने ग्राउंड के अंदर चेक किया था, जैसे कि 96 के अंदर आपका 8 का व्यू सेट हो रहा है, 96 के अंदर ना तो 5 का व्यू सेट होगा और 96 के अंदर ना तो 7 का व्यू सेट हो रहा है, क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा है। तो आपको अगेन यहाँ पर 8 का व्यू ही डालना होगा सेटिंग के लिए। तो S8 वेफ्ट, और फर्स्ट वेफ्ट के लिए S8 वार्क, और फिर एक बार रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पे भी आपका जो बाइंड प्रोसेस था या बाइंडिंग का जो भी सेटिंग था वो परफेक्ट हो चुका है। इतना होने के बाद आपको ये कलर फाइल सेव करना है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट कार्ड डिस्प्ले लिखा है, वहाँ पर क्लिक कीजिए, और यहाँ से BMP फॉर्मेट, यहाँ से आपका डेस्टिनेशन फोल्डर, और यहाँ पर आपको कलर फाइल लिखना है। जैसे कि मैंने लिख दिया कलर, या कुछ भी आप लिख सकते हो अपने हिसाब से, इतना भी आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। नाम देने के बाद यहाँ पर सेव करना है। यहाँ पर आपको कार्ड फाइल भी चेक करना है, तो उसके लिए व्यू, और ये कार्ड कलर्स आ गए। कंप्लीट कार्ड देखने के लिए तो व्यू में जाइए और यहाँ पर कंप्लीट कार्ड कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो भी फाइल था वो कंप्लीट है कि नहीं। तो यहाँ पर ये आपका ऑन ऑफ, ये आपके सिलेक्टर रहेंगे, ये फ्री हुक रहेंगे, ये सेलवेज, ये बॉर्डर और ये डिज़ाइन। सामने की साइड भी आपका सेलवेज, बॉर्डर और ये डिज़ाइन। फिर इसको सेव करने के लिए यहाँ पर राइट कंप्लीट कार्ड पर जाना है। यहाँ से आपका डेस्टिनेशन फोल्डर, जैसे कि मैंने अभी डेस्कटॉप लिया है, और यहाँ पर कंप्लीट कार्ड है या कार्ड जो भी, या तो पार्टी का नाम या तो फिर महारानी का टू वेब का पेडिस कार्ड फाइल है। तो यहाँ पर इस तरह से आप दे सकते हो। उसके बाद में BMP फॉर्मेट और फिर सेव, फिर यहाँ पर ओके। इतना प्रोसेस होने के बाद फाइल में जाना है, सेव करना है, और यहाँ पे भी आपको नाम देना होगा कि सपोज मेरा महारानी टू वेप्ट का PDC फाइल है, तो मैंने इस तरह से नाम दे दिए। यहाँ आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो। उसके बाद में यहाँ PDC फॉर्मेट होगा और फिर सेव करना है, फिर यहाँ पर यस करना है। तो ये आपका फाइल हो चुका है। थैंक यू, बाय।